हेलो गाइस, आज मैं अपनी बाइक ठीक कराने गया था लक्ष्मी नगर, बट मेरी बाइक ठीक नहीं हुई। मैकेनिक ने देख के कहा कि भाई इसका तो सामान ही नहीं है हमारे पास, ये आपको सर्विस सेंटर में ठीक करानी पड़ेगी। मैं अपने घर से इतनी दूर गया भी ठीक कराने और मेरी बाइक भी ठीक नहीं हुई। मेरी बाइक का अभी कुछ दिन पहले इंजन खुला था तो मैकेनिक ने सही से काम नहीं किया। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक लक्ष्मी नगर में मैकेनिक है, वहाँ पे दिखा दी हो। तो मैं आज गया था बट मेरी बाइक ठीक नहीं हो पाई, तो अब मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, या तो उसको सर्विस सेंटर भेजता हूँ या तो फिर नई बाइक लूँगा, क्योंकि वैसे भी वो बाइक मेरी शायद 6 साल हो गए, 2015 में ली थी मैंने। टीवीएस स्टार सिटी प्लस है, वाइट कलर की। और अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर कोई इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो मैं उसे भेज दूंगा। वो प्राइस भी ज़्यादा नहीं है वैसे तो, नई बाइक लेने जाओ तो आज के टाइम में स्प्लेंडर भी 95,000 समथिंग है, मतलब 90-95-1 लाख से कम में कोई बाइक आज के टाइम में मिल भी नहीं रही है। तो मैं तो ज़्यादा नहीं मांग रहा, 25 से 30 हज़ार रुपये ही मांग रहा हूँ, इतने तक में मैं अपनी बाइक दे दूंगा। क्योंकि मुझे वैसे तो नई बाइक लेनी है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम बाहर इधर उधर जाने का ही रहता है, फील्ड का ही रहता है, तो इसलिए मुझे बाइक दूसरी लेनी पड़ेगी। वैसे तो मैं इसे भी ठीक करा सकता हूँ, लेकिन मुझे ना मैकेनिक से ठीक कराने में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो एक नई बाइक में होता है, क्योंकि हर मैकेनिक एक जैसा नहीं होता। क्योंकि मेरी अभी तक मेरी बाइक सिर्फ सर्विस पे ही चल रही थी, पहले मैं दूसरी जगह रहता था, अब मैंने घर शिफ्ट कर लिया तो, बट यहाँ पे तो मैकेनिक ने पैसे तो ले लिए बट मेरी गाड़ी का अच्छे से काम नहीं किया, बट मुझे काम में मज़ा नहीं आया, उसने मेरी गाड़ी और ख़राब करके रख दी है। अब मुझे उसे चलाने का भी मन नहीं करता। वैसे तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये में ठीक हो जाएगी, लेकिन तब भी मेरा मन नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा है कि मैं नई बाइक लूँ। अब बताओ ऐसी कौन सी बाइक लूँ जो फील्ड में चलने के लिए अच्छी हो, क्योंकि आज के टाइम में पेट्रोल भी बहुत महंगा है, तो जिसमें मेरी पेट्रोल की भी बचत हो जाए और बाइक भी अच्छी हो जो मेरी चल जाए 5-7 साल। वैसे तो टीवीएस भी है, बहुत बढ़िया बाइक है जो अच्छी चली है मेरी, बट क्या करें, ख़राब हो गई है तो मन नहीं कर रहा कि उसको ठीक करवा के दोबारा चलाया जाए। कितने, 10-15 तो खा ही चुका हूँ अभी तक, बची है 4। खानी है नहीं खानी है? आ जा फिर इधर, इधर से क्या चाशनी पास में आ रही? इधर से घूम के आओ, मेहनत करके आओगे तभी मिलेगा। अच्छा लो ये ले, जल्दी ले ये ले, 1 मिनट इधर बैठ, ढंग से बैठे, सामने आएंगे तो अच्छे से दूंगा। हाँ ले, इधर आ, बैठाऊंगा ले, आकर आ तो ले, पूरा थोड़ा सा चाट ले, बस चल निकल ले। अच्छा ले ले ले, ले। ले ले ले, मजाक कर रहा था ले। अच्छा आप दे रहे हो सच में? मैं तेरा झूठा थोड़ी ना खाऊंगा, ले जल्दी पकड़, गिर रहा है मेरे हाथ से चाशनी, गिरा मत दियो। और चाहिए? हाँ भाई, जूस कौन पिएगा? हरा दिया, आकर जूस 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 बहुत सारा है, चल मैं पी लूँ। और किसी को खाना है? पक्का देख लो, बाद में कुछ नहीं मिलेगा, खाली डब्बा मिलेगा, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। मस्त अमरूद है, चक्कू से भी नहीं कट रहा तो उसके दांत से कटेगा। ले आराध्या, तुम दोनों बहनें खा लो, या तू खा ले या तेरी बहन खा लेगी। नहीं, नहीं तू वो खा, दोनों बहनें साथ में खाना, तू वो, मैं खा लूंगा फिर तेरी। मैं तो उसका झूठा खाऊंगा तभी तो बोलूंगा, तभी ब्लॉग्स में तो मेरी आवाज निकलेगी, जब मैं अपने पोपट का जूठा खाऊंगा। मत कर उसे, तू तंग मत किया कर, तू हट जा सामने से, हट जा। ले बेटा, ले खा ले, सोना की बहन है ना तू, सोना की छोटी बहन है ना, ये तूने डरा दिया। ले बेटा खा ले, ये वाला फ्रिज में रख के आओ, पहले वो खाएगी फिर ये खाएगी, ठीक है? खा लो खा लो, इतना सारा वाल, खा ले बेटा खा ले, बच्चा भूखा, खाना नहीं दिया तूने इसको, और तूने रसगुल्ला खा लिया, इसका पेट भरा नहीं है। खाया इसने रोटी और ये जम्बू।
नहीं देख भूखा है वो, खा रहा है, तू खुद खा लेती है, उसको नहीं खिलाती। देखो ये लड़की ना, इस पहले अपना फायदा सोचती है, खुद खा लेती है, अपने पोपट को कुछ भी नहीं देती, अपनी स्वीटी को कुछ नहीं देती। क्यों नहीं देती तू? तेरी आवाज की गले इसके गले में रसगुल्ला फंस गया है लग रहा है। है ना, रसगुल्ला फंस गया ना तेरे गले में। ये क्या है राधे, ये क्या रखा है? रोटी है तोड़ के। क्यों रखा है ये? इसके लिए। ये तू स्वीटी को सूखी रोटी खिला रही है, हैं? हाँ। अब मैं तेरे को भी सूखी रोटी दूँ तो तू खाएगी? हाँ। देखो गाइस, ये अपने स्वीटी को ना सूखी रोटी खिला रही है, और हम इसको रोटी में मक्खन लगा के भी देते ना तो वो भी बोलती है कि नहीं मुझको टेस्ट नहीं आ रहा, और इसको सूखी रोटी खिला रही है ये। देखो इतनी शैतान लड़की है ये। पहले आज ये देखा तूने ब्रश किया नहीं किया है? क्योंकि मैंने आज तेरे को ब्रश करते हुए नहीं देखा। नहीं किया ना? नहीं तो अभी तो ऐसे ऐसे कर रही थी। तू झूठ बोल रही है, आकर दांत दिखा। देखो गाइस देखो, इसके तो आगे के दांत भी टूट रहे लग रहे हैं। पूरे 32 हैं कि कितने दांत हैं तेरे? एक तो जमा हो गया, एक नया जम गया। पुराना वाला क्या किया, बेच दिया? किसको बेचा? तारे पे गया वो। तारे पे वहां लेके कौन गया? फैरी गई। फैरी कौन है ये? सहेली इसकी। हमें भी मिला अपनी फैरी सहेली से। मेरा दादी के भी सारे दांत टूट गए, हम दादी के भी नए लगवा लेंगे, उससे बोल लेंगे लगा देगी। ठीक है, डॉक्टर नहीं है। हाँ तो दादी के भी अपने फैरी के पास भिजवा के सारे दांत मंगवा ले। फैरी नहीं लाएगी तो कौन लाएगा? दादी लाएगी। नहीं डॉक्टर लाएगी। हेलो गाइस, अब मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, और अभी बच गए हैं 4:07 हो रहे हैं शाम के। मैं 1 घंटा सो लेता हूँ, उसके बाद फिर शाम को चाय के लिए उठूँगा, क्योंकि अभी मेरे को बहुत आ रही है नींद, मैं थक चुका हूँ। मिलते हैं फिर। क्या कर रही है? तूने किए सारे कलर? हाँ। क्यों कर रही है? मन है तो कर देंगे। पढ़ने का मन नहीं करता? करता है। ये सिर्फ कलर ही करने? सिर्फ कलर ही करना। हेलो गाइस, मैं सो के उठ चुका हूँ अब, और शाम के 5:45 हो रहे हैं। चलते हैं छत पे घूमने के लिए, देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है। छत पे तो बारिश जैसा मौसम हो रहा है। हैं? ये लड़की कौन है? कौन है तू? हमारी छत पे क्या कर रही है? इधर देख, वो लड़की माई छत पे क्या कर रही है? वीडियो बना रहे हैं, वही पापा हैं। क्या बोलती है तू? बारिश होने वाली है। क्या बारिश? बारिश हुई तो बारिश होने वाली है, तो क्या हुआ? ये देखो गाइस, ये आराध्या की साइकिल है, इसने इसका क्या हाल कर दिया है। देखो गाइस, पक्षियों को खाना खिलाते हुए, ये देखो पक्षियों को खिचड़ी सर्व की जा रही है, और ये क्या है, ये आटा भी सर्व किया गया है जो सड़के सूख गया है, लेकिन कोई खाने नहीं आया है। इस पूरा खजाना निकालो। ये आराध्या का बिस्कुट का खजाना है, के अंदर बहुत सारे बिस्किट्स हैं। खोलो, देखिए कितने सारे बिस्किट्स हैं।
नमकीन है, ये देखो ओरियो बिस्किट थप थप थप, और ये वाला भी जो वीडियो बना रहे थे रिंगे बोल रहा था, और ये पापा के लिए पीनट्स, और ये चलो इतनी सारी चीजें निकालने के लिए बोला, सिर्फ बिस्किट निकाल चाय के साथ, ये वाले बिस्किट जल्दी से रख क्या। अब क्या चाहिए तेरे को, कौन सा बिस्किट ले ले, ये ले ले, मेरा ये है, है? चल ठीक है, खोल बिस्किट का पैकेट, वीडियो बनाते हैं वो तो नहीं, राधे की चाय कौन सी है, मेरी है, मेरी मेरी राधे की नहीं, पानी लेके आओ पहले मेरे को पीने के लिए, मुझे भी तो पिया नहीं है, हाँ तो मेरी कॉपी कर ले, खाली बोतल ला रही है क्या, फ्रिज में खाली बोतल रखे हुए हैं, किसने रखे खाली बोतल, तुझे कुछ पता ही नहीं रहता, तो किसे पता है फिर, ठंडा गरम करके लाया, ठंडा को गरम करके लाई है, तू किस में पिएगी, तेरी बोतल कहाँ है पानी की, पड़ी होगी कहीं कूड़े में, पानी पी लो, हुआ क्या इसे, पानी मांग रही थी, पानी गुस्सा, क्या हुआ क्या, बारिश दिखाने के लिए लाई है, देखो बड़ी मुर्गी, बड़ी मुर्गी, बड़ी मुर्गी हेलीकॉप्टर है वो छोटा सा, इसको टिड्डा बोलते हैं, टिड्डा टिड्डा दिख रहा है, ये वीडियो में दिख रहा होगा, टिड्डे आ रहे छत पे, दो तीन आ रहे, कबूतर भी गया, ले पानी पी फटाफट, लो पानी, छोटे छोटे बातों में गुस्सा थोड़ी ना होते हैं, वेट करना चाहिए ना, पानी चाहिए तो, ये थोड़ी ना आप बोलोगे तो पानी मिल जाएगा, थोड़ा वेट भी करना चाहिए, मम्मी सब सब्जी काट रही थी ना, और आप गुस्सा होकर चले गए, ये कोई बात थोड़ी ना होती है, गुस्से वाली बात नहीं है, जब मैं बोल रही थी मैं आपको पानी दे रही हूँ तो आप तो फट से भाग गए हो, गुस्सा थोड़ी ना करते छोटी छोटी बातों पे, पानी अटक गया तो डांट रही उसको, पानी भी मिले चल चल सब देखेंगे तो सोना रो रही है, आया चल चल, हम अभी पतंग उड़ाएंगे आज बारिश मौसम हो रहा है, जल्दी आ जा चल चाय पी ले फटाफट, बिस्किट खा ले, अच्छा आ जा आ जा, थोड़ा सा पानी पी ले, थोड़ा सा पानी पी लेगा, थोड़ा सा पानी पीते हो, पानी पिला पिला के डांट ले तू उसको, नहीं चल अभी पतंग उड़ाएंगे जल्दी चल, नहीं तो रात हो जाएगी, पतंग उड़ानी आज, ठीक है ठीक है, टी शर्ट गंदी कर ली, टी शर्ट गंदी कर ली, टावल ने टावल से, ये दिन भर तो वैसे ही कपड़े बदल दिए, चल जल्दी चल यार फिर मैं, जल्दी आ जा चलो, जल्दी चाय ठंडी हो रही है, चलो पानी लिया, आगे ने पानी पी लिया, राधा ने पानी पी लिया, स्माइल तो कर दे, इधर देख पतंग उड़ानी नहीं उतार उड़ानी है, एक बार स्माइल करके बोलो, इधर वो गुस्सा हो गई, एक बार हंस दो, ये हंस गई, हंस गई, हंस गई, हंसी, ये नाटक कंपनी है हमारे, चलो जल्दी करते फिर पतंग उड़ाएंगे, ठीक है आज पतंग कहाँ रखी, पता तुझे कहाँ है, अलमारी के ऊपर, कौन सी वाली, काली वाली, काली वाली, गोरी वाली भी है, गोरी वाली के ऊपर थोड़ी रखा, हाँ चल अंगूठा मत चूस, 6 महीने की बाबू नहीं है तू, चल चाय पी अभी, वो बिस्किट खा लेते, हाँ।